तो ये खड़ी है भाई अपनी काशी की ट्रेन, ये लिखा हुआ है बनारस पटना काशी पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस, ये इसका नंबर है। 5:20 पे चलती है पटना से, वाराणसी भी जाती है, काशी भी जाती है, वो वाराणसी भी जाती है, बनारस भी जाती है। ये काशी का रेलवे स्टेशन, स्वागत है आप लोगों का वाराणसी में। अगर आपने पिछली बार जब हम आए थे तो हम बनारस के स्टेशन पे उतरे थे, हम उतरे हैं वाराणसी के स्टेशन पर, मतलब अगला स्टेशन बनारस का ही है। यह अपनी ट्रेन है जाएगी बनारस, तो फिर अभी मैं वाराणसी के स्टेशन में बाहर निकलता हूँ, आपको थोड़ा बहुत स्टेशन दिखाता हूँ। टाइम हो रहा भाई 9:00 में, बिल्कुल राइट टाइम आई है भाई, हमारी गाड़ी है जनशताब्दी, चलते हैं बाहर। वाराणसी कैंट बोलते हैं जिसको, ये है भाई कुछ जंक्शन, ये आ गया भाई देखो वाराणसी जंक्शन, यही अपनी ट्रेन खड़ी है, चलते हैं बाहर को। तो ये आ गए वाराणसी के जंक्शन पर, कितना बढ़िया बना रखा है देखो सामने, बहुत बढ़िया बना रखा है, ये ऐसा कुछ स्टेशन है। यार पिछले बार भाई हमने वहाँ से खड़े होकर फोटो खिंचवाई थी वो पुल में, और भाई वाकई स्टेशन देखो कितना प्यारा लग रहा है, यहाँ से देखो भाई कितना खूबसूरत लग रहा है स्टेशन। रात में ये लिखा हुआ है वाराणसी, बहुत खूबसूरत स्टेशन लग रहा है भाई, ये देखो अब लाइटिंग कितनी प्यारी लग रही है। हमेशा की तरह भाई बनारस में वही जबरदस्त भीड़ है, काशी विश्वनाथ मंदिर है सामने ही, और ये देखो वही भीड़ है भाई, ये लिखा आ गया मंदिर के लिए। ये सामने काशी विश्वनाथ टेंपल है ये, और आगे तक देख के आ रही इतना दूर आए, तो सामने ये काशी विश्वनाथ मंदिर है ये सामने, और इसके बगल से ये मणिकर्णिका घाट का रास्ता है, मणिकर्णिका द्वार। अब चलते हैं अंदर को, तो ये भाई हम घुस गए मणिकर्णिका घाट जाने के लिए, और ये बनारस की तंग गलियां जहां आपको हॉर्न की आवाज सुनाई देती रहेगी। तो भाई जा रहे मनी करने का घाट, थोड़ा ठीक आ गया यहाँ, ये भाई मनी करने का घाट स्टार्ट हो चुका है, मतलब आने वाला है सामने ही है, ऐसा कुछ आपको दिख जाएगा। तो कितना मतलब पुराना, किस किस तरीके से मतलब मूर्तियां बनाई है देखो आप, तो सीधा भाई मणिकर्णिका घाटी है। तो ये हम पहुंच चुके हैं भाई मणिकर्णिका घाट, यहाँ पे आप लकड़ियां वगैरह देख सकते हो। भीड़ काफी लग रही है भाई, बचना थोड़ा पाओगे, ये आ गए भाई हम देखो मणिकर्णिका घाट। ये आ गया भाई मणिकर्णिका,
हर महादेव दोस्तों। तो फिलहाल आज मैं मौजूद हूँ मणिकर्णिका घाट। बहुत ही भाई इसमें कथाएं हैं यहाँ पे, अभी समान से मैं थोड़ा दिखा दूँ। तो भाई ऐसी मान्यता है, ऐसा बोला जाता है कि ये मणिकर्णिका घाट वही जगह है जहाँ पे माँ पार्वती जी के कुंडल गिर गए थे, और वो उनको कुंडल मिले नहीं तो उन्होंने इस घाट को श्राप दिया था कि हमेशा इस घाट पर अग्नि इसी प्रकार जलती रही। तो भाई आप देख सकते हो, ऐसा बोला जाता है कि ये वही स्थान है, ये गंगा माँ है इधर, तो ये वही जगह जहाँ माँ गंगा ने मोक्ष प्रदान किया। तो इसे मणिकर्णिका घाट बोलते हैं भाई। ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे मतलब जिसकी भी मृत्यु होती है उसको सीधा स्वर्ग मिल जाता है अपने कर्मों से, मतलब मुक्ति मिल के और यहाँ से सीधा स्वर्ग जाता है, तो इसको बोलते हैं मणिकर्णिका घाट। मेरे ठीक पीछे है रात का इसका मंदिर भाई, काफ़ी अलग होता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि रात में भी आपको दिखा दूँ। आप जब भी आओ भाई, आप यहाँ पे आओगे आपको पॉजिटिविटी फील होगी, भीड़ बहुत ज़्यादा है भाई इस समय। तो ऐसी कुछ कहानी है मणिकर्णिका की, ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे सबकी सुनी गई, सिर्फ मणिकर्णिका की नहीं सुनी गई, इसलिए भाई ये घाट तब से जल रहा है और 24 घंटे भाई यहाँ पे मतलब ये मंदिर रहता है, कभी भी यहाँ पे आग शांत नहीं होती। तो ऐसा कुछ है मणिकर्णिका घाट। धन्यवाद। तो भाई ये मणिकर्णिका घाट है, ये मोक्ष द्वार। तो भाई अब हम आ चुके हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। मेरे ठीक पीछे काशी विश्वनाथ मंदिर है, और वैसे तो इसका एंट्री मतलब अलग से, हमने पिछली बार जब हम आए थे हमने वीडियो बनाई थी तो आगे से एंट्री है, बट यहाँ से आपने देखा होगा जो लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं वो तो इस पॉइंट से बनाते हैं, जो कि मैं भी आपको दिखाऊंगा। बाकी भाई मेरे साइड में है मणिकर्णिका घाट, और मणिकर्णिका घाट के ठीक बगल से ये पीछे काशी विश्वनाथ मंदिर है। तो आप ऊपर चलते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। तो भाई 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है काशी विश्वनाथ मंदिर, तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, काफ़ी बढ़िया व्यू आता है भाई यहाँ से। तो ये आ गया भाई, देखो इस गेट से अंदर, इस गेट से अंदर आए हैं अभी हम ऊपर चढ़ के। ये कैंपस है मंदिर का, लिखा हुआ है मंदिर। तो भाई यहाँ आ, यहाँ पे भाई लिफ्ट की सुविधा भी है, चल के नहीं जाना तो लिफ्ट से चलो ऊपर। ये सामने आ गया भाई काशी विश्वनाथ मंदिर, फूड कोर्ट वगैरह भी है भाई यहाँ, ये देख सकते हो आप सामने, गेट नंबर 1 है ये। तो ये है भाई सामने ही है काशी विश्वनाथ मंदिर, और ये भीड़ निकल रही है। यहाँ से आया था मैं, देखो नीचे वो मणिकर्णिका घाट है, देखो जो लाल सा दिख रहा है बिल्डिंग। ये आ गए भाई हम बाहर, और भाई आप भी ऐसे बोटिंग कर सकते हो, हम करेंगे अभी, मैं आपको इसका चार्ज बता दूंगा, पहले भी बताया मैंने, खैर मैं फिर बता दूंगा। आप बोटिंग करके ऐसे 80 घाट हैं, देखो आप ऐसे घूमते, पूरे लाइन से घाट है, 84 घाट है, सॉरी हिमांशु भाई थोड़ा सा डिटेल इस बारे में कि मतलब कितने घाट हैं यहाँ पे और किस तरीके से घूम सकते हैं बोट्स में। बोट्स में आप घूम सकते हैं, यहाँ पे आरती वगैरह देख सकते हैं यहाँ की, और यहाँ पे टोटल कुल 84 घाट हैं। 80 घाट से पहले अभी 4 नए घाट बने हैं, जिसमें एक आपका आ जाएगा ओम घाट आ जाता है। ओम घाट के बगल में एक नया बना है जहाँ से आपको हेलीपैड की सुविधा भी मिल सकती है, जहाँ से आप हेलीकॉप्टर से अयोध्या भी जा सकते हैं डायरेक्टली। तो जैसा कि भाई हिमांशु भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे नया घाट बना है, हेलीपैड की सुविधा आपने सुना भी होगा न्यूज़ में, तो सीधा अयोध्या के लिए हेलीपैड की सर्विस स्टार्ट कर दी गई है। खैर थोड़ा दूर है, आप पूछोगे तो आपको पता लग जाएगा। बाकी भाई लोग बोटिंग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, ये लाइन से घाट है भाई, ये अभी आपको दिखाता हूँ मैं। भाई एक घाट ये है, मतलब ये मंदिर है, यहाँ से हम निकले, गेट नंबर 1 है ये, और ये यहाँ पे ऐसे घाट है भाई, ऐसे पूरा 84 घाट, देखो लाइन से घाट है, वो देखो वहाँ तक, उधर भी घाट है, पीछे भी घाट है, पूरी बोटिंग वगैरह चल रही है ये।
बहुत बढ़िया मंजर है भाई ये। ललिता घाट लाइन से घाट है भाई ये, जो कि आप बोट से भी देख सकते हो। पूरा बोट आपको टूर कराती है इन घाटों, जैसे ये लोग कर भी रहे हैं। देखो उधर